नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। आर्यन खान ड्रग्स मामले में CBI शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान और मैनेजर पूजा डडलानी का बयान दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। NCB विजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख से 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाबा रामदेव ने कहा है कि योग जीवन का अनुशासन है, जिसका अपने जीवन पर नियंत्रण आ गया वो विश्व विजेता बन जाता है। योग करने वाला कभी बीमार नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा है कि भारत का आगे जाना असुरी शक्तियों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनका प्रयास भारत को तोड़ने का है। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए समाज को तोड़ने की कोशिश देश से बाहर हो रही है। कलयुग में मिलजुल कर रहना सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने मौसम खुशनुमा बना दिया है। कई दिनों से पड़ रही चिलचिलाती भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली है। 1 साल पहले 20 जून को एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना में बगावत की, अगर वो असफल हो जाती तो CM शिंदे उस वक्त खुद को गोली मार लेते। शिंदे सरकार में शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह से बरसात टलती जा रही है, उसी तरह से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव टलता जा रहा है। मुंबई के अलावा ठाणे, नासिक, नागपुर समेत 14 महानगर पालिकाओं का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे सरकार में हिम्मत नहीं कि वे जल्दी चुनाव कराएं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक शतक लगा रहे DRS के बदले DRS का इस्तेमाल हो रहा है। अब 29 साल के गेंदबाज भुवनेश्वर ने सिर्फ 17 पर 5 विकेट गिराकर लीग में एक नया इतिहास रच डाला है। करण देओल की शादी में पूरा देओल परिवार जश्न मनाता हुआ नजर आया। संगीत से लेकर मेहंदी तक हर फंक्शन में सभी ने खूब एंजॉय किया। दादा धर्मेंद्र ने भी पोते की शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लंबे अरसे बाद धर्मेंद्र और उनकी पत्नी प्रकाश कौर एक साथ नजर आए। इस खूबसूरत तस्वीर को करण देओल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लगातार फिल्म में फ्लॉप साबित होने के बाद अब कॉमेडियन कपिल शर्मा के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई है। जी हाँ, करीना कपूर और तब्बू की अपकमिंग फिल्म द क्रू के लिए कपिल शर्मा को साइन कर लिया गया है। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष पर हो रहे बवाल का असर फिल्म की कमाई पर भी दिख रहा है। फिल्म में कई खामियां हैं, जिसकी वजह से इसे काफी निगेटिव पब्लिसिटी मिली है। आदि पुरुष के डायलॉग और खराब इफेक्ट्स की काफी आलोचना हो रही है। इसके लिए मेकर्स को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।